दोस्तों, अगर सांप ने आपको काट लिया है तो आपका मरना तय है। कुछ ही देर में दम घुटने की वजह से आपकी मौत हो जाएगी। और ऐसे में आपके मरने के बाद क्या होगा आपके परिवार का, माता पिता का, बच्चों का? इसी सोच के घबराहट के कारण कई सारे लोगों की जान चली जाती है दोस्तों सांप के डसने से, जबकि हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर सही जानकारी, सही समझदारी और सूझबूझ से काम लिया जाए तो आप अपनी, खुद की, दूसरों की और हर उस इंसान की जान बचा सकते हैं जिसे भी सांप ने काटा हो। दोस्तों, सांप के काटने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए कि जानकारी के अभाव के कारण कई सारे लोगों की जान चली जाती है, तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, मिलेगी पूरी जानकारी दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो देखते रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब का ये लाल वाला बटन अभी प्रेस करें और मोटिवेशन के लिए एक लाइक जरूर। दोस्तों, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया भर में हर साल 50 लाख से भी ज्यादा लोग सांप के डसने के शिकार होते हैं, जिसमें से 80,000 से लेकर 1,40,000 जितने लोगों की जान चली भी जाती है। और दोस्तों, दुर्भाग्य की बात तो यह है कि उसमें से 50% से भी ज्यादा लोगों की जान अकेले हमारे भारत में जाती है, जिसका पहला कारण लोगों का दूर दराज के इलाकों में, जंगलों में, पहाड़ी क्षेत्रों में या गांव में बसने की वजह से कई बार मेडिकल फैसिलिटी पहुंचने में काफी देर हो जाती है। और दूसरी बात, सांप के काटने पर हमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए कि जानकारी न होने के कारण भी कई सारे लोगों की जान चली जाती है। दोस्तों, पूरे भारत में 300 से भी ज्यादा प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं, जिसमें से 60 प्रजाति के सांप तो बेहद ज्यादा जहरीले होते हैं, जिसमें किंग कोबरा, इंडियन क्रेट, टी स्केल्ड वाइपर, रसल वाइपर, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में चित्ती, डबोइया या कोरी वाला सांप भी कहते हैं। बाकी के सांप कम जहरीले या बिल्कुल भी जहरीले नहीं होते हैं। दोस्तों, सांप में जहर 3 तरह के होते हैं, हीमोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक और साइटोटॉक्सिक। मेडिकल टर्म्स में हीमो मतलब ब्लड होता है, तो जो ऐसे जहर जो हमारे लाल रक्त कण, ब्लड या RBC को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसे हम हीमोटॉक्सिक जहर कहते हैं। ये ज्यादातर रसल वाइपर, जिसे हम कोरी वाला या डबोइया या चित्ती कहते हैं, उसके अंदर पाए जाते हैं। दूसरा दोस्तों, न्यूरोटॉक्सिक वेनम, जो हमारे नर्व टिश्यू को डैमेज करते हैं, उसे हम न्यूरोटॉक्सिक वेनम कहते हैं। और ये से हम नाग या किंग कोबरा कहते हैं, उसके अंदर पाए जाते हैं। और ये बेहद जहरीले और बहुत ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे नर्व सिस्टम पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से इंसान पैरालाइज्ड यानी लकवा मार देता है, आंखों की रोशनी चली जाती है, धुंधला दिखने लगता है, सांस लेने में बेहद तकलीफ होती है और इसकी वजह से दम घुटने लगता है। और तीसरा है दोस्तों, साइटोटॉक्सिक। मेडिकल टर्म्स में साइटो का मतलब होता है सेल्स, तो जो हमारे बॉडी सेल्स को डैमेज करते हैं, ऐसे वेनम को हम साइटोटॉक्सिक वेनम कहते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि सबसे पहले सांप के काटने पर हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमें संयम और धीरज से काम लेना चाहिए कि कितने लोगों की जान सांप के जहर से नहीं बल्कि सांप ने हमें काट लिया है, इस डर के, घबराहट के कारण हार्ट अटैक की वजह से हो जाती है। संयम से काम लें, क्योंकि दोस्तों आपके पास काफी सारा समय होता है, जो कि 3 से 4 घंटे होता है, और इस समय के दौरान आप बहुत ही आसानी से आपके नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंच सकते हैं और आप अपनी जान बचा सकते हैं। तो जितना ज्यादा आप घबराएंगे, उतना ही तेजी से आपका हार्ट पंप होगा और उतना ही तेजी से जहर आपके शरीर में फैलेगा और उतना ही कम समय आपको हॉस्पिटल पहुंचने के लिए मिलेगा। इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम से बैठकर लंबी लंबी सांसें लेना है ताकि को ज्यादा समय मिल सके। और दूसरा दोस्तों, सबसे पहले मेडिकल इमरजेंसी नंबर 108 पर कॉल करें और उन्हें इन्फॉर्म करें। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, उस सांप से दूरी बनाते हुए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लें, जैसे कि उसका रंग, रूप, उसके ऊपर बना हुआ पैटर्न, क्योंकि इसी जानकारी के आधार पर डॉक्टर्स या मेडिकल फैसिलिटी आपको एंटी वेनम प्रोवाइड करेगी। और वही एक एंटी वेनम सिर्फ और सिर्फ एक मात्र जरिया होता है आपको उस सांप के जहर से बचाने का। तो चल, तो सबके पास में मोबाइल भी अवेलेबल होता है, तो हो सके तो उसका फोटो भी आप खींच सकते हैं। हो सके सांप के काटे हुई जगह के आसपास की सभी टाइट चीजें तुरंत निकाल दें, जैसे कि घड़ी, अंगूठी, बेल्ट, ब्रेसलेट, जूते और टाइट जीन्स, ज्वेलरीज एक्सेट्रा, क्योंकि उस जगह पर जल्द से जल्द सूजन या स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी और ऐसे में आपकी परेशानियां और भी बढ़ सकती हैं। और दोस्तों, खुद से हिलने डुलने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करें, हो सके तो वहां पर दूसरों की मदद लें या फिर अपने दोस्तों की मदद लें, क्योंकि जितना ज्यादा हिलने डुलने का आप प्रयास करेंगे उतना ही तेजी से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और उतना ही तेजी से जहर आपके शरीर में फैलेगा। स्ट्रेचर पर या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हमेशा बाई करवट की तरफ आप लेटें और जितना हो सके सांप के काटे हुई जगह को अपने छाती से हमेशा नीचे रखें, साबुन और पानी से उस जगह को धोकर उस पर बैंडेज अप्लाई करें। दोस्तों, अब जान लेते हैं सबसे जरूरी बात कि क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले सनी देओल नहीं बनना चाहिए, तो उनके 2.5 किलो के हाथ थे और वो पाकिस्तान में जाकर के हैंडपंप उखाड़ सकते हैं। दोस्तों, हम और आप
तो घर के नल भी नहीं उखाड़ सकते हैं। दोस्तों इन हिंदी पिक्चर में दिखाए हुए ढकोसलों को तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अगर जहर चूसने वाले के मुंह में गलती से भी अल्सर, कट, छाले या होंठ में थोड़ा सा भी कट हुआ तो ये जहर उस जहर चूसने वाले के खून में भी मिलकर उसे भी मौत के घाट उतार सकता है। और दोस्तों वैसे भी अगर साइंटिफिक वे में देखा जाए तो ऐसा करने से सिर्फ 2% जहर ही आप उस शरीर से निकाल सकते हैं। इस तरह की बेवकूफी करने के बजाय अपना कीमती समय उसे आप हॉस्पिटल पहुंचाने में लगाएं। दोस्तों कई बार सांप के काटने वाली जगह पर लोग ब्लेड या रेजर की मदद से कट कर देते हैं ये सोच करके कि वहां से जहर या जहर वाला खून ज्यादा प्रमाण में निकल जाएगा, जिससे पेशेंट्स की जान बच जाएगी। लेकिन दोस्तों ये करना और भी गलत है, क्योंकि उस जगह पर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और कई बार वहां से ब्लड ज्यादा निकलने की वजह से भी उसकी जान चली जाती है। दोस्तों सांप के काटने वाली जगह पर बर्फ तो भूलकर भी घिसना नहीं चाहिए, क्योंकि बर्फ की वजह से वहां के मसल्स श्रिंक होने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं, और जब ये उस जहर के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो और भी ज्यादा तेजी से वो डैमेज होने लगते हैं और नेक्रोसिस होने के चांसेस यानी उस जगह पर सड़न होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों कई बार सांप के काटने की वजह से लोगों को घबराहट की वजह से प्यास ज्यादा तेजी से लगने लगती है, तो दोस्तों ऐसे में उन्हें भूल कर भी खाने पीने की कोई भी चीज नहीं देनी चाहिए, क्योंकि खाने पीने के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और उतना ही तेजी से उनके शरीर में जहर भी फैलने लगेगा, इसलिए खाने पीने की चीजें बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। दोस्तों सांप के काटे हुए व्यक्ति को कभी भी भूल कर भी सोने या बेहोश न होने दें, क्योंकि अगर वो सो गए तो शायद वो परमानेंटली सो जाएंगे, इसलिए बिल्कुल भी उन्हें सोने मत दीजिए। दोस्तों सांप के काटे हुए जगह के आसपास टर्निकेट तो बिल्कुल भी नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि ऐसे में जहर सिर्फ उतने भाग में बंद कर रह जाएगा और उतने भाग को वो जहर इतनी बुरी तरह से डैमेज करेगा कि शायद से आपके शरीर से अलग करने की या काटने की भी नौबत आ सकती है। दोस्तों लास्ट बात ये कि सांप के काटने के बाद किसी भी ओझा, तांत्रिक, झाड़ फूक वाले बाबा के पास में कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सांप दो तरह के बाइट करते हैं, एक ड्राई बाइट और एक पॉइजनस बाइट। ड्राई बाइट में वो सिर्फ काटते हैं, उसमें जहर बिल्कुल भी नहीं होता है, और पॉइजनस बाइट में वो हमेशा जहर इंजेक्ट करते हैं। ऐसे में दोस्तों तांत्रिक के पास में सिर्फ वही लोग बच पाते हैं जिन्हें सांप ने ड्राई बाइट किया होता है, और लोगों को ये लगता है कि शायद झाड़ फूक से उसे बचाया जा सकता है, जबकि दोस्तों हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर।